अपना 575 रोटावेटर पे चक्कर नहीं बना पा रहा सही, इसकी सेटिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे सुमित भाई हो गया, इसका तो अपना चैनल है भाई, गांव का वो लोग, एक हर्षित है, मिलन प्रीत है, एक नौमान भाई है अपना, आमिर भाई है मेरठ का, अग्निश है ये भी यूपी से है, अल्ताफ मंसूरी, इरफान जस्सर, गरवीत सैनी और समीर भाई, इनके कमेंट अपनी वीडियो पर हर बार आते हैं और भाई दिल से धन्यवाद। और भाई जिस किसी का नाम छूट गया हो उसका भी दिल से धन्यवाद भाई साहब, मतलब सब को थैंक यू कह रहा मैं। और यह वीडियो बहुत स्पेशल है, इसके 575 के चक्कर नहीं मिल पा रहे सही तरीके से, तो भाई पूरी वीडियो देख लो, पहले इसकी बांगा दिखाऊंगे कैसी बांगा कर रहा, मतलब कि रोटर के ज़्यादा चक्कर हो रहे ट्रैक्टर से, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कि ट्रैक्टर की पीटीओ है ना जो, उस रोटावेटर के ज़्यादा चक्कर हो रहे तो वे मैच नहीं हो रहे, जिससे क्या हो रहा ट्रैक्टर का अपमान, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, लोड पड़ रहा ट्रैक्टर के इंजन पर, बंद कर दे रहा है। तो भाई पूरी वीडियो देखो लास्ट तक, इसमें पूरी प्रोसेस है, मतलब कि गरारी कैसे चेंज होगी और बांगा करके दिखाऊंगे कैसा बांध बना रहा है, फिर उसके बाद दिखाऊंगे बाहर में बहाऊंगे, और फिर जो खाली होगा ना उसमें भी दिखाऊंगे किस तरीके से कैसा बहन बना रहा। तो वीडियो मजा लो पूरा का पूरा, ये अपना 575 है, 2019 मॉडल है यो, और 100 का किस तरीके से चल रहा, अभी तो लोड नहीं ले रहा, पर जहाँ को गिल्ला था जाना हल्का सा गिल्ला, वहाँ बहुत ज़्यादा लोड दे रहा है ये रोटावेटर। और गरारी इसमें फ़िलहाल 1916 की गरारी है, और भाई स्टैंडर्ड जो साइज होता है गरारी का वो 18-17 का होता है। देखो यहाँ बिल्कुल आगे लोड मान गए दूसरे की लोम है, जबकि 575 दबता नहीं दूसरे की लोम है, 6 फिट का रोटावेटर तो बिल्कुल भी नहीं, 7 किलो भी नहीं दबता वैसे तो, पर इसके लिए 6 फिट का रोटावेटर ही सही है। हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड साइज की, तो मैंने बताया था 18-17 की जो गरारी होती है वो स्टैंडर्ड साइज होती है। और ये देखो इसे यहाँ से हम खोल देंगे, इसके अंदर गरारी है, और जो मेरे रोटावेटर में है वो 1916 की गरारी है, मतलब कि स्टैंडर्ड से छोटे वाला साइज़, समझ रहे हो, और जो मैंने बताया था स्टैंडर्ड साइज 18 और 17। सीधी सी भाषा में समझाऊंगा, कंपनी हर ट्रैक्टर में सेट करके देती है कि आपको रोटावेटर 17 पे चलाना है या 18 पे चलाना, 20 पे चलाना, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रैक्टर है अपनी मैक्सिमम, समझ रहे हो, मैक्सिमम स्पीड पीटीओ की प्रोड्यूस करेगा, मतलब देगा जैसे 540, ठीक है, ट्रैक्टर निकाल लेगा। अब देखो इसमें दो गरारियाँ हैं, ठीक है, 17 और 18 सॉरी, तो ये दोनों मिल गए, समझ रहे हो, 206 चक्कर निकाल लेगी, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज़ है सबसे बढ़िया साइज़, 206 चक्कर सबसे बढ़िया साइज़ है, उसके बाद दूसरा साइज आता है अगर आपका ट्रैक्टर लोड मान गया, समझ रहे हो, 18-17 की गरारी में, तो उसके बाद एक नंबर गरारी बढ़ जाएगी दूसरे वाली, मतलब कि जो रोटावेटर की वो बढ़ेगी 1916 हो जाएगी, 18-17 से 1916 हो जाएगी, और जो ट्रैक्टर वाली है वो गरारी एक घट जाएगी, मतलब कि ट्रैक्टर के जो राउंड है ना वो कम है, और भाई रोटावेटर के अगर ज़्यादा हैं तो तभी ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मेरे ट्रैक्टर के राउंड कम थे रोटावेटर ज़्यादा राउंड बना रहा था, तो मैंने क्या करा 1916 की जगह 20-15 कर दिया भाई। यह वाली रोटावेटर की गरारी जो मिस्त्री ने अभी छेड़ी थी लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड की गरारी यो है ट्रैक्टर की, तो रोटावेटर की गरारी बड़ी रहती है लगभग, और ट्रैक्टर वाले की छोटी रहती है, किसी में ट्रैक्टर की बड़ी भी हो जाए रोटावेटर की छोटी हो जाए, पर 18-17 और भाई 1916-20-15, मतलब कि टोटल 35 चक्कर होना चाहिए, समझ गए, 35 दांते होने चाहिए दोनों गरारी के मिला के, इस तरीके से ये काम करती है। तो मेरे वाले ट्रैक्टर में 1916 थी और अब 20-15 होगी, तब इसके चक्कर चेक करेंगे, इसकी भांगा देखेंगे, चेंज होने के देखेंगे कैसी भांगा करेगा, इसे इसमें चला के देखेंगे फिट होने के बाद, अभी फ़िलहाल इसमें 1916 की जगह 20-15 कर दी गई, ठीक है, और इसका जो पहले इसमें चलाएंगे बाहिवे में, फिर खाली जगह पर चलाएंगे जहाँ पे बिल्कुल खुला पड़ा, तो राउंड तो सही बना रहा बिल्कुल, मिट्टी भी सही बारीक कर रहा, हल्के से राउंड घट गए पर पहले से ज़्यादा घट गए, मतलब पहले ज़्यादा थे अब कम हो गए, लेकिन बारीक कर दिया, ये तो पहले से बारीक था, दूसरे वाले खेत में चलेंगे गिल्ले वाले में, वहाँ पर पता लगेगा इसका सही तरीके से, पर यह है ट्रैक्टर उस टाइम बहुत ज़्यादा दब रहा था, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा था, तो इसलिए मुझे गरारी चेंज करवानी पड़ी इसकी। तो अगर आपके ट्रैक्टर में भी यही प्रॉब्लम है, मतलब ट्रैक्टर दब रहा रोटावेटर पर, आपने नया रोटावेटर लिया, क्योंकि मैंने तो नया लिया था एक ही दिन हुआ से,
तो भाई आप अपने ट्रैक्टर की गरारिया चेंज कराओ, कंपनी का आएगा शोरूम से, वहीं से जहाँ से आपने रोटावेटर लिया गारंटी में होगा ना। अब इधर हमारे इधर तो अगर कोई कंपनी का भाई देख रहा है या महिंद्रा कंपनी से रिलेटेड है कोई भी, तो यार अपने इधर में बिल्कुल भी डेमो नहीं होता किसी भी ट्रैक्टर का, हरिद्वार से हूँ ना। तो भाई प्लीज़ मेरा मतलब रिक्वेस्ट आपसे कि एक डेमो कराओ इधर भी, जिससे भाई महिंद्रा की और भी ज़्यादा मार्केट बने। वैसे तो मार्केट बहुत है क्योंकि हम महिंद्रा के चाहने वाले और महिंद्रा को ही पसंद करते हैं, और भी ट्रैक्टर की पसंद करते हैं, पर किसी भी ट्रैक्टर का करवा दो मतलब एक तरीके से, जिससे पब्लिक को या लोगों को भाई पता लगे कि हाँ इधर ट्रैक्टर का रुझान ज़्यादा है। अब देखो ये गिल्ली है यहाँ पे, इसमें इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे और देखेंगे बांध कैसे बनाया। काम सही कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मतलब ट्रैक्टर सही हो गया। तो भाई अगर आपके ट्रैक्टर में यही प्रॉब्लम, मतलब लोड लेकर बंद हो रहा और रोटावेटर आपके ट्रैक्टर के हिसाब से बड़ा है, तब तो बात अलग है। अगर साइज़ बिल्कुल सही है आपके ट्रैक्टर का, मतलब 6 फीट या 7 फीट, तो आप मिस्त्री से चेक करा सकते हो। अभी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा, बढ़िया है। घर का कह रहे हैं घर